हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। ये है चना का सत्तू। आप बड़े एक मीडियम साइज बाटी से एक बाटी ले सकते हैं। इसमें पड़ेगा आपका जवाइन, मंगरेल, दो कच्चा मिर्च, अचार, आम का अचार है, और ये है नींबू। फ्रेंड्स, ये है 1 टेबल स्पून जवाइन है, 1 टेबल स्पून मंगरेल है, 2 कच्चा मिर्च, अचार और लेमन। पहले लेमन को ही डाल देते हैं। 8 to 10 ड्रॉप ही डालेंगे, जैसे आप फेस पैक में डालते हैं वैसे ही। और पूरा जवाइन डाल देंगे। बारिश के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और इसको पहले मिला लेंगे। पहले से हमारा इसमें कच्चा मिर्च दिया हुआ था, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम इसमें कच्चा मिर्च, 2 कच्चा मिर्च बता दिए। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा सत्तू पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है सभी सारे इंग्रेडिएंट्स से। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक देंगे। हाँ, बस 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा इसमें नमक देंगे और सरसों तेल देंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 3 या 4 टेबल स्पून तक सरसों तेल देंगे इसमें और इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सत्तू को। अब देख सकते हैं ऐसे ऐसे बाटी जैसा इसको बनाना है, बाटी जैसा ये बन जाएगा। अब इसमें इस बाटी में सत्तू भर देंगे, ऐसे सत्तू भर के अब इसको गोल बनाएंगे। अब इस बाटी को ऐसे ऐसे फोल्ड करके हल्का 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 करके गोल बनाएंगे। अब इसके मुंह को थाप के, ये है रिफाइन ऑयल। ये है सादा तेल, रिफाइन ऑयल। इसमें हम फ्राई करके, पहले तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद इस तेल में फ्राई करके दिखाएंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे, फिर फ्राई करेंगे। ये ऐसा खाना बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में खाने को बहुत मिलता है, स्टेशन पे भी, बाहर भी, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो लहसुन प्याज भी डाल के बनता है, लेकिन शनिवार को लहसुन प्याज नहीं देते, इसीलिए निरामिस बना के आपको दिखाए। ऐसे इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्लेटिंग हो चुका है। लिट्टी चोखा, ये आम का ग्रेवी चटनी है, मीठा चटनी, और ये है अचार। इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। आप बिहार, उत्तर प्रदेश जहाँ भी जाइएगा वहाँ ये खाने को मिलता है और बहुत ही टेस्टी खाना है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और इससे अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।